शिव 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 महस्त डमरु बाजे नाग नमद सृष्टि साजे जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम शिव शंभु कार। दोस्तों कैसे हैं आप? तो बहुत दिनों से घर में बैठे थे, बोर हो रहे थे, तो हमने सोचा आज एक फ्रेंड के साथ एक ट्रिप लगा ली जाए। तो हम निकले अभी हरिद्वार के लिए और अभी हमें मेरे साथ है अमित और मेरे साथ है मेरे पीछे जो बैठे ही हैं अतुल और हम तीनों निकले हैं हरिद्वार के लिए और अभी हम जा रहे हैं पेरिफेरल एक्सप्रेस वे में। पेरिफेरल एक्सप्रेस वे में और ये है टोल बूथ और पहली बार देखा मैंने यहाँ पे फास्ट टैग में प्रॉब्लम आई है, इन्हें भी पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी हमने उत्तराखंड बॉर्डर पार किया है और हम पहुंच गए रुड़की में। बॉर्डर पे जस्ट हमसे हमारा पास देखा गया और वहां से हमें एक स्लिप इशू की गई कि अगर आगे हमें कोई रोकता है तो आपको स्लिप दिखानी है। और भी हम बैठे हैं कुंदन वैष्णो ढाबा पे, तो देखते हैं रुड़की में और देखते हैं क्या क्या ऑर्डर किया है हमारे मित्र ने, तो देखते हैं। तो जैसा कि अभी मैं देख रहा हूँ मटर पनीर आया है, कढ़ाई पनीर आया है और दाल मखनी है, रायता है, रोटी है और सैलेड है। तो ये हमारा लंच है, तो इस लंच को करने के बाद हम निकलेंगे हरिद्वार के लिए। तो इस वक्त हम लंच कर रहे हैं रुड़की में और बहुत टेस्टी खाना है यहाँ का। हमने दाल मखनी और कढ़ाई पनीर लिया है, बहुत लाजवाब, मजा आ गया। फाइनली हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं कितना साफ जल आ रहा है इस वक्त और बहुत भीड़ है। हमें लगा लॉकडाउन के जैसे यहाँ पे कम भीड़ होगी लेकिन पूरे घाट पैक है यहाँ पे, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। कोरोना जब से स्टार्ट हुआ है ये मेरा पहला हरिद्वार ट्रिप है और बहुत मजा आ रहा है इस वक्त, पानी एकदम साफ है। तो लंच का टाइम है और हम यहाँ पे फेमस है कचौड़ी खाने के लिए बैठे हैं।
बॉडी में स्नान करने के बाद हमने गंगा आरती अटेंड की और उसके बाद हमने सोचा आप कहाँ जाएं नाइट स्टे के लिए, क्योंकि आजकल आपको पता है कोरोना की वजह से मैक्सिमम होटल लॉजेस सब कुछ बंद है। तो हम सीधा आए यहाँ पे सदाशिव आश्रम में, मतलब बहुत ब्यूटीफुल आश्रम है, इतना मज़ा हमें होटल में नहीं आता जितना यहाँ पे आया है। एकदम पूरा नेचर का फील आ रहा है यहाँ पे, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं इसमें और कुछ रूम्स बनाए रहने के लिए विद उसमें जो भी बेसिक एमिनिटीज़ हैं सब कुछ है उसमें। और देख सकते हैं आश्रम बहुत ब्यूटीफुल है, आसपास पूरी ग्रीनरी है। तो अभी सुबह के 7 बजे हुए तो मैं सो के उठ के आया हूँ, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल आश्रम है। फ्रेंड्स, हरिद्वार में एक दिन का स्टे करने के बाद हम यहाँ ऋषिकेश की साइड आ गए। और अगर आप भी ऋषिकेश आना चाहते हैं, आपको एक बात का ध्यान देना है कि यहाँ पे उत्तराखंड से अलावा कोई और स्टेट की जो भी गाड़ियाँ हैं वो टिहरी बॉर्डर पे एकदम बैन है, आप एंट्री नहीं कर सकते टिहरी बॉर्डर से। तो मैं ऋषिकेश पहुँच चुका हूँ और मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, यहाँ पे जो हमने गेस्ट हाउस लिया है उसके पास का व्यू दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, एकदम जो गंगा जी है उनके किनारे ये गेस्ट हाउस बना हुआ है, ये मेरे पीछे सीता झूला है और यहाँ से ये पूरा व्यू दिख रहा है। एक साइड राम झूला है और एक साइड सीता झूला है। सीता झूला भी नया है जो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो राम झूला है वो चल रहा है। तो ये मेरे पीछे का व्यू है। तो हमारा प्लान तो नीर वाटरफॉल जाने का था, लेकिन यहाँ पे पानी का बहाव इस वक्त इतना तेज हो गया है तो हमें लग रहा है कि अभी कैंसिल करना चाहिए प्रोग्राम, क्योंकि यहाँ पे जनरली 7 बजे अंधेरा होता है। तो अभी लेकिन 5:30 बजे अभी से एकदम अंधेरा सा होने लगा है। और यहाँ से जहाँ हमारा जो गेस्ट हाउस है वहाँ से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस है वाटरफॉल की, तो हमने वो प्लान कैंसिल कर दिया है क्योंकि यहाँ पे पानी का बहाव इस वक्त अचानक से बहुत तेज़ हो गया है। तो आई थिंक ऊपर पहाड़ों पर बारिश हो रही है इसलिए यहाँ पे नदियों में असर देखने को मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पानी के साथ एकदम, आपको दिखाता हूँ एकदम से कैसे पानी तेज हो रहा है यहाँ पे। आप मेरे बैक साइड में देखना, आप ये देख सकते हैं। जनरली नदी जो एकदम शांत स्वभाव से एकदम बहती है, लेकिन अभी देखना आपको कितनी तेज की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब कि पहाड़ों के ऊपर बारिश हो रही है। दोस्तों कैसे हैं आप? तो इस वक्त सुबह के 6 बजे हुए हैं और मैं बैठा हूँ अपने गेस्ट हाउस के आगे। ये जस्ट पीछे मेरा गेस्ट हाउस आपको दिख रहा होगा और अभी मैं वेट कर रहा हूँ सनराइज़ का। मैं आपको यहाँ पे मॉर्निंग व्यू दिखाता हूँ ऋषिकेश का। अभी मोस्टली लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक पे आए हुए हैं। जा रहे नीर वाटरफॉल, हमने एक स्कूटी रेंट पे ली है और ये आपको यहाँ पे जहाँ भी आप लेंगे आपको 500 रुपीज़ के आसपास रेंट पे मिल जाती है। तो मैं और अमित अभी नीर वाटरफॉल जा रहे हैं। अभी हम शत्रुघ्न घाट पे हैं, मेरे साथ है मैं, अमित और राहुल, अतुल
तो हम शत्रुघ्न घाट पर हैं इस वक्त और अभी हम यहीं पर डुबकी लगाएंगे। अपनी ऋषिकेश ट्रिप ओवर करने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मोस्टली चीज़ें कोरोना की वजह से बंद है और यहाँ पर क्या है कि आपको वाटर से तो आराम से एंट्री मिल जाएगी और क्योंकि आप इजीली आप ऑनलाइन पास बनवा सकते हो, लेकिन आपकी एंट्री करने के बाद यहाँ पे जैसे आप टिहरी बॉर्डर पाएंगे यहाँ पे एकदम मतलब बाहर की गाड़ियाँ बिल्कुल अलाउ नहीं है, तो आप केवल ऋषिकेश तक ही आ सकते हैं और यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। मोस्टली चीज़ें आपको यहाँ पे भी बंद मिलेगी, तो अगर आप प्लान बना रहे हैं ऋषिकेश की साइड का तो अभी इसे फिलहाल कैंसिल कर दें। और जैसा हमें पता चला है कि यहाँ से 21 या 22 तारीख से यहाँ से राफ्टिंग फिर से शुरू होने वाली है, तो आप फिर आने की कोशिश कीजिएगा। और साथ में एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जरूर कीजिएगा कि आप अपनी कोविड रिपोर्ट जरूर लाना साथ में, वो भी मैक्सिमम 72 आवर्स पहले की, उससे पहले की होगी तो वो इनवैलिड होगी, तो आपको 72 आवर्स पहले की कोविड रिपोर्ट साथ लानी है अगर आप यहाँ मतलब पूरा एंजॉय करना चाहते हैं, पूरा घूमना चाहते हैं। हम निकलने ही वाले हैं अपने घर के लिए, हम मतलब गंगा मैया से प्रार्थना करेंगे कि कोविड जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, कि दोबारा हम ऋषिकेश आएँ और आपका पूरा ऋषिकेश दिखाएँ, पूरा आपको यहाँ पे जो भी लोकल फूड है और जो भी यहाँ पे फेमस चीज़ें वो आपको दिखाएँ। लेकिन अभी फ़िलहाल लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है, तो आज हम अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म कर रहे हैं। जय गंगा।